तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स में। और आज हम फिर से एक करंट अफेयर सेशन के साथ हाजिर हैं, जो कि है बेस्ड ऑन 12th जैसे 12th दिसंबर के ऊपर बेस्ड रहेगा। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम आपके साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उसके ऊपर आज हम लोग चलते हैं अपने करंट अफेयर्स के फर्स्ट क्वेश्चन पे और देख लेंगे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूनिसेफ डे इज ऑब्जर्व एनुअली अक्रॉस द ग्लोब। कब मनाया जाता है यूनिसेफ डे? तो यहाँ पे जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 11th दिसंबर। 11th दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है ये हम लोग आगे वाले स्लाइड में समझेंगे और क्या क्या इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हर साल 11 दिसंबर को हम यूनिसेफ डे मनाते हैं। यूनाइटेड जनरल असेंबली ने यूनिसेफ डे 11 दिसंबर को 1946 में स्थापित किया था एज ए इंटरनेशनल चिल्ड्रंस। क्या था यूनिसेफ का मतलब? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड, इमरजेंसी फंड। ये पूछता है कभी कभी यूनिसेफ का, आपको पूछ लेगा फुल फॉर्म में आई क्या स्टैंड करता है या फिर सी में ई सी क्या होता है, ई क्या होता है, फिर पूरा एक्रोनिम पूछ लेगा। तो उसमें होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फंड इमरजेंसी फंड, जो होता है उसको यूनाइटेड नेशन ने एस्टेब्लिश किया था। अब यहाँ पे होता है यूनिसेफ का जो नेम जो था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यूनाइटेड को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दिया तो, और इसको कंटिन्यू कर दिया पॉपुलर एक्रोनिम के थ्रू इसको रखा गया। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखिएगा, हम लास्ट वीडियो में रखे थे आपसे पूछे थे कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो एग्जाम में पूछता ही हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो जाएगा न्यूयॉर्क, आपका न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और अगर बात कर लें कौन से कंट्री, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आता है न्यूयॉर्क। जैसे कि आपने न्यूज में अभी सुना ही है कि न्यूयॉर्क में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था अमेरिका में, न्यूयॉर्क में सर्टेन चीजों को लेकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा स्पोर्ट्स को एज ए फर्स्ट, मतलब कि एक डेब्यू मिला है ओलंपिक गेम्स 2024 के ओलंपिक गेम्स में, पेरिस गेम्स, जो कि 2024 पेरिस गेम्स होगा, ओलंपिक जो होता है उसमें उसको जगह मिला है, कौन सा इनमें से? डांस को। इसमें डांस जो है ये डांस फॉर्म से, इसमें से किसे दिया है? तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ब्रेक डांसिंग जो होता है उसको अब एज ए ओलंपिक स्पोर्ट्स ट्रीट किया जाएगा और इसको ओलंपिक में रखा जाएगा, ठीक है। तो ये एक हम लोग का ये चीज होगा कि ओलंपिक में एक नया चीज शामिल हो गया, इसमें भी गोल्ड सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिए जाएंगे, तो ये भी एक यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अब इसके बारे में देखिए, तो ओलंपिक में क्या किया गया, रजिस्टर कर दिया गया ब्रेक डांसिंग को, और ये न्यूएस्ट एंट्री है ओलंपिक स्पोर्ट्स में, और ये कब से लागू होगा? तो 2024 जो कि पेरिस में होंगे, ठीक है। देखिए को 2020 में भी ओलंपिक्स होने वाले थे, कहाँ होने वाले थे? टोक्यो में होने वाले थे, लेकिन क्या हुआ, COVID-19 पेंडेमिक जो आ गया उसके वजह से इसको स्थगित करके 2021 में किया गया है, ठीक है। 2021 में जो होगा और 2024 में जो होगा उसमें ब्रेक डांसिंग को जगह दिया गया है। अब इसको बता दें कि और भी स्पोर्ट्स ऐड हुए, 3 न्यू स्पोर्ट्स, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो कि स्केटबोर्डिंग है, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है, और एक नेक्स्ट हो गया सर्फिंग। ये कब ऐड हुआ था और इसका डेब्यू कब है? ये 2021 ओलंपिक्स गेम्स, जो कि समर ओलंपिक्स कहते हैं, 2021 में होगा और जो कि टोक्यो में होगा, जिसको स्थगित किया था क्योंकि 2020 में होना था, 4 साल के अंतराल पे ओलंपिक जो है 4 ईयर्स के बाद, हर 4 ईयर्स के बाद जैसे होता है, तो 2016 के बाद 20 में था, तो ये नहीं होके 2021 में रखा गया है। आपको पूछ सकता है अगर कि वेन्यू क्या है, तो 2021 का वेन्यू क्या हो जाएगा? टोक्यो, और 24 का बात करें तो पेरिस रखा गया। उसके बाद ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट कौन है? तो थॉमस बैक। और कब यह ओलंपिक कमेटी फाउंड हुआ था? 23 जून 1894 में पेरिस फ्रांस में इसको फाउंड किया गया था, ठीक है। तो ये हम लोग का नया एक इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसे इंक्लूड किया जाता है, ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दिया गया है कि किस सेलिब्रिटी ने टॉप किया 15 एशियन सेलिब्रिटीज इन द वर्ल्ड, जिसमें जो कि यूके बेस्ड ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर द्वारा दिया था, तो इसमें इंडियन सेलिब्रिटी किसने टॉप किया? तो यहाँ पे हो जाएगा सोनू सूद उसमें टॉप किए हैं। और सोनू सूद को टॉप करने का आपका रीजन पता है कि COVID-19 में जितने लोगों को हेल्प किए थे, हाईलाइट हुए थे, उसके वजह से उन्हें दिया गया। इंडियन एक्टर जो है सोनू सूद को नंबर 1 साउथ एशियन सेलिब्रिटी में रखा गया है, जो कि एक न्यूज़पेपर होता है यूके का। अब इसमें देखिए कि ये क्यों, क्योंकि कोर्स COVID-19 पेंडेमिक में जो उनका काम था, जो उन्होंने किया था, उसके लिए उन्हें दिया गया था। और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रैंकिंग रिलीज किया गया लंदन में वेडनेसडे को, ठीक है। और 47 ईयर बॉलीवुड स्टार को ये एक ग्लोबल कंपटीशन दे के यहाँ पे फर्स्ट साउथ एशियन में आए हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और कहाँ, किसने ये रैंकिंग रिलीज किया, ये पूछा गया, तो वीकली न्यूज़पेपर ईस्टर्न आई जो कि किया गया। और भी सेलिब्रिटीज का बात करें तो उसमें अरमान मलिक भी हैं, देखिए उनको 5th रखा गया इमेंस म्यूजिकल आउटपुट, जिसके वजह से वो इंग्लिश लैंग्वेज सॉन्ग्स का एक बैरियर जो उनको तोड़ा, और उसे मतलब कि सर्टेन सॉन्ग्स उन्होंने गाया था या फिर
बनाया था, उसके लिए उनको भी फिफ्थ पोजीशन दिया गया। और भी कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज का बात करें तो उसमें है प्रियंका चोपड़ा, प्रियंका चोपड़ा को भी रखा गया है। और एक बात करें तो प्रभास जो कि साउथ इंडियन एक्टर्स है, वो भी प्रभास का रैंकिंग साथ है, तो ये भी आपको जानना चाहिए, ये भी इन्हें रखा गया है। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉप का बात करेंगे तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उसके बाद नेक्स्ट आ गया इंटरनेशनल माउंटेन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं वो होता है 11 दिसंबर, हर साल को इंटरनेशनल माउंटेन डे के तौर पे मनाया जाता है हमारे देश में और दुनिया भर में। ये दुनिया भर में मनाया जाता है, हमारे देश में नहीं, इंटरनेशनल माउंटेन डे। तो इंटरनेशनल माउंटेन डे ग्लोबली 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, अवेयरनेस टू इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन टू लाइफ। माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको ऐसे कहते हैं कि हमारा जो नॉर्थ में गार्जियन है वो हिमालयन माउंटेन से, जितने भी वहां से विंड आती है उस तरफ से आप ऊपर के तरफ से, तो उनको हिमालय रोकता है, तो इसीलिए ऐसे कहा जाता है कि हिमालयन को गार्जियन कहा जाता है ताकि हमें सेव करता है। उसके बाद और भी अपॉर्चुनिटी तो माउंटेन डेवलपमेंट में, और कैसे हम इसको चेंज ला सके ताकि ब्रिंग पॉजिटिव चेंज टू माउंटेन पीपल या फिर एनवायरमेंट। देखो दूसरा बात क्या है कि तो जैसे मान लो अपना ही देश में लद्दाख में, तो लद्दाख में क्या होता है कि बहुत से पीपल वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल जाती है, नहीं मिलती है, नहीं पहुंच पाती है। आज भी वहाँ पे नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए एक पॉजिटिव चेंज लाए ताकि वो माउंटेन पीपल के पास सब कुछ जो हम पा रहे हैं वो उनके पास पहुंचे, और साथ ही साथ एनवायरमेंट चेंज अराउंड द वर्ल्ड हो, एक एनवायरमेंट चेंज मतलब पॉजिटिव हो उनके लिए उनके रिगार्डिंग में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट है माउंटेन वर्ल्ड। अब देखिए एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम इस बार का थीम क्या, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। इस बार का जो थीम रखा गया था माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, तो ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, इसको आपको जानना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल सेंटर फॉर दिव्यांग एम्पावरमेंट NCDE CRPF ने किस स्टेट में लॉन्च किया है। एक दिव्यांग मतलब कि जो फिजिकली चैलेंज को आपने पता कि फिजिकली चैलेंज को नरेंद्र मोदी ने एक नया नाम दे दिया था, दिव्यांग। जैसे कि आप पहले देखते ना फिजिकली हैंडीकेप्ड कोच ट्रेन में हुआ करता था, अब वहां पे आपको लिखा रहेगा दिव्यांग, वहां पे अब फिजिकली हैंडीकेप्ड नहीं लिखा था, उसको हम दिव्यांग या फिर दिव्यांगजन कहते हैं। तो किस स्टेट में CRPF ने स्टार्ट किया, तो वो हो जाएगा तेलंगाना। अब ये है क्या, इसके बारे में आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है एक्चुअली, ये होता है कि मतलब जो सोल्जर्स, ये देखो पहले कहा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स जी किशन रेड्डी ने इनॉग्रेट किया है सेंटर, कहाँ पे, हकीमपेट नियर हैदराबाद इन तेलंगाना, 10 दिसंबर को इनॉग्रेट किया गया। अब ये है क्या, तो जो सोल्जर्स अब वार के टाइम पे या फिर फाइटिंग करते हुए उनका सर्टेन मतलब कि सर्टेन फिजिकली चैलेंज हो गए या फिर फिजिकली वीक हो चुके थे, तो उनके लिए एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रीस्किल या फिर रिहैबिलिटेट करने के लिए दिव्यांग वॉरियर जो कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में जो कि होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, उसके लिए वेरियस कैसे उनको इस कंप्यूटर स्किल्स में, वेरियस स्पोर्ट्स स्किल में कैसे उनको एम्पावर किया जाए, उसके लिए सेंटर बनाया गया। आपको पता होगा कि नहीं, जो फिजिकली पैर से चैलेंज जो हमारे सोल्जर्स होते हैं वो भी वॉलीबॉल खेलते हैं, उनको भी वॉलीबॉल का टीम है एक, और वो सर्टेन मेडल्स भी जीतते हैं, तो वो उस तरह से उनको डेवलप किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना एक्सटेंडेड वेलफेयर के लिए उनके कॉपरेशन और असिस्टेंट के बदौलत ये ऑल पॉसिबल कॉपरेशन और असिस्टेंट उनको प्रोवाइड करें ताकि वो आइसोलेटेड ना फील करें और वो सोसाइटी में अपना फिर भी योगदान देते रहें। एज ए हैंडीकैप्ड होकर बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो कि रिहैबिलिटेट करते हैं या फिर रीस्किल डेवलप करके वो बहुत योगदान देते हैं, जैसे आपको बताएं कि वो वॉलीबॉल तक खेलते हैं, तो उस तरह से ये स्टार्ट किया गया है तेलंगाना में हैदराबाद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्कीम लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव वाईफाई अवेलेबिलिटी इन पब्लिक स्पेसेस अक्रॉस इंडिया, उस स्कीम का नाम क्या रखा गया, तो हाल ही में आपने सुना होगा पीएम वानी। ये पीएम वानी जो स्कीम आया है, अब इसमें होगा क्या, तो पहले तो देखिए कि पीएम वानी का मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। पीएम का मतलब क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव स्कीम, प्राइम मिनिस्टर्स वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इनिशिएटिव स्कीम लाया गया है। और ये क्या करेगा, अलाउ करेगा किसी को भी पैसे वाईफाई हॉटस्पॉट सेटअप करने के लिए पब्लिक में, और जो कि डिलीवर करेगा वाईफाई सर्विस है। देखिए आज के दुनिया में डिजिटलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजिटलाइज डिजिटल में रहना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास अगर डिजिटल कनेक्टिविटी है तो आप नेट कनेक्टिविटी है, वाईफाई कनेक्टिविटी कहीं पे भी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव रखा गया वायरलेस कनेक्टिविटी और भी सब इंपॉर्टेंट इंटरनेट से जुड़ने के लिए पूरे कंट्री में, इसको स्टार्ट किया गया जिसका नाम रखा गया पीएम वानी। दोस्तों एक बार फिर से बोल रहे हैं कि ये वाला पार्ट आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीएम में वानी का जो एक्रोनिम होगा या इसका जो एब्रिविएशन, ये जो वानी है इससे पूछेगा एग्जाम में,
और पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोइलवर ब्रिज जो कि इनोग्रेट हुआ है रिसेंटली, वो कौन से स्टेट में है? तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका बिहार। बिहार स्टेट में कोइलवर ब्रिज इनोग्रेट किया है। अब किसने किया है? तो हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट और वाटरवेज मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी ने 1.5 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज को सोन रिवर, सोन नदी के ऊपर इसको इनोग्रेट किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अनग्रेड किया। और ये 3 लेन ब्रिज रहेगा जिसका एस्टिमेटेड खर्चा का बात करें तो वो हो जाएगा 266 करोड़ रुपया। और ये जो यूपी और बिहार के बीच के मेजर रोड ट्रांसपोर्टेशन की जो असुविधाएं आ रही थी उसको ये दूर कर देगा। ये 6 लेन ब्रिज होगा जो कि फुल्ली ऑपरेशन होगा ऑन NS 922 और NS 30 को सब्सिक्वेंटली अगर ईज कर देगा, मतलब कि वहां से ट्रैफिक को कम करके और भी ये ट्रांसपोर्टेशन में इजी नेटवर्क बना देगा। तो एक को तो हो सकता है कि किसने किया, नितिन गडकरी। कौन से स्टेट में ये ब्रिज पड़ेगा? तो वो हो जाएगा बिहार। और अगर बात करेंगे कौन से रिवर पे, तो सोन रिवर पे। देखिए 3 टाइप का क्वेश्चन आपको मिल गया। फिर नितिन गडकरी कौन है? तो हमारे रोड वाटर वेस्ट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, साथ ही साथ MSME मिनिस्टर है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज MSME मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ वो कहाँ से है? तो लोकसभा में, आपके किस कॉन्स्टिट्यूएंसी का बात करें तो नागपुर से इलेक्ट होके लोकसभा में आते हैं और बहुत ही माने जाने पॉलिटिशियन है भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने GDP ग्रोथ रेट इंडिया का 2020 में क्या प्रोजेक्ट किया है? तो वो हो जाएगा -8%। जैसे कि आपको पता है COVID-19 के वजह से -30-29 तक हम लोग का GDP जाने का अनुमान था। तो इसमें इस बार कहा गया है कि ये जो ADB ने अपना एक रेटिंग दिया है जिसमें उसमें उसने कहा है कि -8% रहेगा। साथ ही साथ ADB ने कुछ और भी बताया, उसमें कहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमी है एशिया में सबसे ज्यादा बूम करेगा और सबसे ज्यादा बढ़ेगा, जो कि ये पहले 9% माइनस दिया था, अब उसको फोरकास्ट करके बोला कि ये कंट्रैक्ट हो जाएगा -8% पे। साथ ही साथ एक लेटेस्ट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया उसने 10 दिसंबर को, जिसमें कहा है कि इंडिया GDP जो है बाउंस बैक करेगा, ग्रोथ रेट कितना 8% पे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन 2 फॉर्म में है, इसको गलत मत समझिएगा, क्योंकि 2020 में उसने कहा कि -8 पे रह जाएगा जो अब खत्म होने वाला, जिसको उसने -9 कहा था। और कहा दूसरा चीज, एक फोरकास्ट किया कि 2021 में इंडिया का इकोनॉमी जो है 2021 में जो है वो बाउंस बैक हो जाएगा 8% पे। तो बहुत बड़ा बाउंस बैक कहलाएगा अगर इतना पे पहुंच जाता है, ये एक फोरकास्ट है तो ये मान सकते हैं हम लोग। अगर ADB की बात करें तो एशियन डेवलपमेंट फिलीपींस में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अपॉइंट किया गया न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन, WSF का प्रेसिडेंट किसे अपॉइंट किया? तो ये हो जाएगा जेना ओल्ड्रिज को अपॉइंट किया गया है WSO के नए प्रेसिडेंट के तौर पर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, वो जो है इंग्लैंड को फ्रॉम इंग्लैंड, वो इंग्लैंड से आती है और उन्हें नया प्रेसिडेंट बनाएगा वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन का, जो कि रिप्लेस करेंगे इस आउटगोइंग प्रेसिडेंट जो अभी है जैकवस, वो जो कि फ्रांस से है और जो कि 2016 में उन्हें प्रेसिडेंट पाया, 2016 से 2020 तक थे, अब जाके जेना ओल्ड्रिज यहाँ पे प्रेसिडेंट बनेंगी, जो कि 10th नंबर, कितना नंबर, तो 10 नंबर की प्रेसिडेंट रहेंगी और मिनिमम 4 साल के लिए सर्व करेंगी। और ये फेडरेशन कब आया था अस्तित्व में, तो 1967 में अस्तित्व में आया था, ये भी आपको जानना होगा। दूसरा बात है कि ये सेकेंड फीमेल बन चुकी है प्रेसिडेंट आफ्टर न्यूजीलैंड सुसी सिमकॉक के बाद ये सेकेंड फीमेल प्रेसिडेंट बनी है जो कि वर्ल्ड स्क्वाश फेडरेशन की प्रेसिडेंट अपॉइंट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख सबा अल खालिद अल सबा, ये देखिए इतना बड़ा नाम है कि इन्हें प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है, प्राइम मिनिस्टर, यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं है, प्राइम मिनिस्टर है, किस कंट्री का उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया, फिर इलेक्ट किया गया, रीइलेक्टेड किस कंट्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कुवैत का इन्हें फिर से प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया, इलेक्ट कर दिया गया है। अब बता दें कि इनके रीअपॉइंटेड किया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर इनके कुवैत का, गल्फ कंट्री जो है उसको कुवैत बोलते हैं, जो कुवैत कंट्री है उसमें पार्लियामेंट्री पोल्स हुए हैं गल्फ अरब स्टेट में, तो उन्हें इन्हें फिर से अपॉइंट कर दिया। और इन्हें अपॉइंट कौन किया? कुवैत के एमीर शेख नवाफ अल अहमद अल सबा जो है 8 दिसंबर को डिक्लेयर करते हैं कि 8 दिसंबर को कि आप ही फिर से जो है आप फिर से इसके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। और ये चार्ज प्राइम मिनिस्टर का लिए थे 2019 में और वो 8वें प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे और फिर से इन्हें एक बार फिर से प्राइम मिनिस्टर दिया गया। आपको इसके बाद ही बता दें कि इसके पहले जो थे फॉरेन मिनिस्टर के तौर पर कुवैत में सर्व किए थे और अभी ये फिर से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपॉइंट हो गए हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था दोस्तों, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स था जो कि 12 दिसंबर को बेस करके था।
आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हम आपको ऐसे वीडियोस और ला सकें, और आप हमारे और भी वेबसाइट में जुड़ के vision.co.in में कोर्सेज खरीद सकते हैं, वहां पे जाके टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं और अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।